खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर उत्तर भारत की सबसे बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक यहां गोगा मेड़ी मेले का बुधवार को विधि विधान से पूजा अर्चना तथा झंडारोहण के साथ शुभारंभ किया गया। पिछले वर्षों में यहां गोगा मेड़ी में पशु मेला आयोजित नहीं किया गया था। प्रशासन और देवस्थानम विभाग की तारीफ करते हुए विधायक ने कहा कि ऑनलाइन अच्छा काम किया गया है। पिछले वर्ष मेले में 26 लाख श्रद्धालु आए थे, इस वर्ष 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। नोहर एडीएम चंचल वर्मा ने कहा है कि सुधार हो रहा है। मेला क्षेत्र को 4 सेक्टर में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक सेक्टर के लिए एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।